मैं संध्या आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम खोए से बहुत नई नई रेसिपीज बनाने लगे हैं। इस नई भाग दौड़ में हमारी पुरानी रेसिपी कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं आज आप सबके साथ एक बहुत पुरानी रेसिपी खोए का पराठा शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 4 बड़े चम्मच खोए लिए हैं। ये मैं उसमें चीनी डालूंगी, जितनी आवश्यकता हो, आप जैसी चीनी खाते हो आप वैसी चीनी डालें, अधिक या कम। ये मैंने कुटी हुई इलायची ली है, आप चाहे तो कुटी हुई इलायची का फ्लेवर पसंद करते हो तो ये डालें। ये सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर, आप यदि इसका फ्लेवर पसंद करते हो तो ये डालें। और ये काली मिर्च का पाउडर है, आप इसे भी डाल सकते हैं यदि आपको पसंद हो तो। ये सब अलग अलग डालें, इसे पसंद हो तो ये, या ये दोनों में से जो पसंद हो आपको, आप अलग अलग इन फ्लेवर्स को ट्राई कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ खोए और चीनी से भी इस पराठे को बनाएं, पराठा बहुत टेस्टी बनता है। मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बनाना कठिन है, ये बहुत जल्दी इजीली बन जाता है, कुछ भी नहीं करना होता। उससे हम खोए को फटाफट इस्तेमाल कर लेते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। ये जब खड़ी चीनी हम इसमें डालते हैं और ये जब मेल्ट होती है, इसमें पिघल के बहुत सुंदर टेक्सचर देती है पराठे को। बिल्कुल मेल्ट होके शुगर निकलती रहती है, खोया निकलता रहता है। उस पराठे को तोड़े, बहुत बढ़िया मजा आता है उस पराठे को देख करके। ये मैंने स्टफिंग बना ली है खोए की। ये नॉर्मल आटा मैंने गूंथ के ले लिया है, मैंने पेड़े बना लिए हैं, अब इन पेड़ों में मैं उस स्टफिंग को भरूंगी। अब बस इसे बेल लें, हल्के हाथों से बेलें, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करें कि वो फटे। अब बस जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं, एक तरफ ये हल्का गुलाबी हो जाए तो हम इसे पर पलट लेंगे। मेरे घर में सब अलग अलग फ्लेवर का खाते हैं, किसी को दालचीनी का पसंद है, किसी को काली मिर्च के साथ, किसी को इलायची के साथ, तो मैं हमेशा पराठे में ऊपर से अलग से छिड़क देती हूँ। ये मैंने अभी सादा बनाया एक पराठा,
फिर मैंने एक दालचीनी का बनाया, अब ये मैं काली मिर्च का बना रही हूँ। ये मैंने पहले खोए की स्टफिंग रख ली, अब ऊपर से काली मिर्च डाल के अब मैं इसको बंद करूँगी। पराठा बना रहे हैं, ये मैंने स्टफिंग में इलायची पाउडर डाल दिया है ऊपर से, अब मैं इसे बंद करके इसे पराठा बना रही हूँ। दही दूंगी, ये खोए के पराठे तैयार हैं। अलग अलग फ्लेवर है इसमें, आप ट्राई करें इसमें दालचीनी, काली मिर्च और इलायची के फ्लेवर। आप भी इस अलग अलग फ्लेवर के पराठे को ट्राई करें और आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद आया इसमें। मेरे घर में मेरी बेटी इसे भुजिया नमकीन के साथ खाना पसंद करती है। आप भी बताएं आपने किसके साथ खाया, आपको अच्छा लगा नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।